बैक फ्रेंड्स, ये यहाँ की एक लोकल बेरी का प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा थोरनी प्लांट है और यहाँ बहुत ही खट्टी बेरिया आती है उसके ऊपर। इम्यूनिटी डाउन रहती थी मगर मॉनसून के बाद उसने ग्रोथ दिखाया है दोस्तों। और उसका जो ओरिजिनल पॉट में जो लगाया था वो पूरा डैमेज हो चुका है। इसका मूवमेंट देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैंने वायरिंग से किया था और ये हैंडमेड पॉट था मेरा और उसको ट्रे में रख दिया था, इम्यूनिटी डाउन थी इसलिए। तो पहला वाला जो पॉट है वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो चलिए मैं उस वायर को निकाल लेता हूँ। पहले जो वायर उसके साथ लगा है, अब ये पॉट्स को भी मैं निकाल दूँगा और उसको एक छोटे से दूसरे पॉट में रखना चाहूँगा मैं। ये पॉट बहुत पहले बना होगा ये, मगर अब ये डैमेज हो चुका है और उस ये दूसरे पॉट में लगा है और वो सब रूट है वो नीचे वाले पॉट में है। तो ये थोड़ा हार्ड तो है ही क्योंकि ये सीमेंट से बना है, मेटल भी लगा है उसमें तो ये हार्ड है। प्लांट ग्रोथ में है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे एक दूसरा कटर चाहिए। इस कटर को मैं ऑल पर्पस की तरह इस्तेमाल करता हूँ। लीफ कटिंग भी कर सकते हैं, वायर कट कर सकता है ये। अब मैं कंक्रीट भी कट कर रहा हूँ इससे और इजीली कट भी हो रहा है। तो उस ड्रेनेज होल से निकल गया है उसका रूट, तो अब मेरे ख्याल से सेपरेट हो जाना चाहिए। ये निकल गया है, ये पॉट रहता है तो चलेगा क्योंकि अगर निकालेंगे तो ज़्यादा डैमेज हो सकता है। और उसका रिएक्शन मुझे ठीक से पता नहीं रिपोर्टिंग के बाद कैसा होता है, नहीं तो उसको निकाल लेता मैं। ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है, कुछ नीचे भी गए थे मगर मैंने उसको, ये रूट्स नीचे गए थे और उसको मैंने काट दिया था और इसी पॉट में सीमित रखा था नीचे वाले ट्रे में। तो उन सबको मैं एक पॉट दे देता हूँ। तो चलिए इसमें से सब रूट्स को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट था और इसी वॉल पॉट को मैं अब ले लूँगा दूसरे पॉट में, तो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और सॉइल मिक्स दे देंगे हम, तो मैं सॉइल मिक्स दे रहा हूँ। कुछ लोग को ये पसंद नहीं भी आ सकता है क्योंकि ये पॉट में है तो उसका रूट काटना चाहिए, मगर उसका रिएक्शन मुझे ठीक से पता नहीं है। हो सकता है बाद में मुझे ये पूरे पॉट को काटना पड़े, मैं काट भी दूंगा मगर अभी के लिए इतना ही। तो पॉट में जो के नीचे से जो रूट्स गए हैं उन सबको के लिए हमने ये सोइल मिक्स कर दिया है नीचे से। तो कुछ लोग कहेंगे यहाँ से काट देना चाहिए, मगर उसका रिएक्शन पता नहीं क्योंकि ये अभी का प्लांट नहीं है दोस्तों, 4-5 साल पुराना हो सकता है ये, क्योंकि ये दूसरे प्लांट के पॉट में ही ग्रो हुआ था और वहीं से मैंने उसको लिया था। कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो अच्छे से सोइल भर रहा हूँ, आई होप कि प्लांट को कोई दिक्कत ना आए। कुछ सोइल हमें उस ऊपरी पॉट में भी देना होगा क्योंकि कुछ रूट उसमें भी है और प्लांट भी स्टेबल नहीं है अभी, तो उसको भी हमें स्टेबल करना होगा।
तो ड्रेनेज होल से मैंने वायर पास कर लिया है और मैं इस वायर से प्लांट में वायरिंग कर लेता हूँ, कुछ सिर्फ एंकरिंग के लिए। इस तरह से तो उसको प्लांट को मैंने सीधा कर लिया है, कुछ सोइल वहाँ भी रख देते हैं। उसमें ब्रांच स्ट्रक्चर जैसा तो इतना अच्छा नहीं डेवलप हो पाएगा, मगर जो हुआ है मूवमेंट वो मुझे अच्छा लगा है, उसको मैं छोटा ही रखना पसंद करूँगा। यहाँ से जो डेड पार्ट है उसको हटा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ यहाँ के लोकल प्लांट्स को डिस्कवर करता हूँ, चाहे उसका बोनसाई बने या ना बने मैं ट्राई करता हूँ। बहुत सारे लोकल स्पीसीज पे काम किया है, जैसे कि इंडियन एलम है, इंडियन स्नोबेरी है और काकड़ है, गारुगा पिन्नाटा जिसे बोलते हैं, सेमल ट्री है, वरुण ट्री है जो कि इसका प्लांट तो किसी के पास भी नहीं होगा, और उस पर मैंने सक्सेसफुली ग्राफ्टिंग करके पेंसिल से भी छोटे इतने तने पर मैंने फ्लावरिंग कराई है ग्राफ्टिंग से। तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करता रहता हूँ दोस्तों, और आपके साथ आप लोगों के साथ सीधे शेयर करने की ट्राई करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए मैं कुछ यहाँ ट्रिमिंग कर ही लेता हूँ, जहाँ से ब्रांच है वहीं से मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ कि कैसा रिएक्ट करेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि पहले भी ये सब ब्रांचें डाईबैक ही कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब उससे पानी देना ज़रूरी है, सब स्टाइल तो होती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।